गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं जीपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में क्या आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं प्यारे बच्चों एनिमल्स। ठीक है, एनिमल किंगडम में हम लोग किसको इंक्लूड करेंगे? एनिमल्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बहुत कॉमन सा पॉइंट है ये। और एनिमल्स की इतनी ज्यादा स्पीसीज है कि उन्हें इजिली स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो साइंटिस्ट ने उनको जो क्लासिफाई किया वो कुछ फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पर उन्होंने उसको क्लासिफाई किया हो गया है। तो आज सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर में सबसे पहले आज हम लोग स्टडी जो करेंगे वो फंडामेंटल फीचर्स, वो कौन से वो फंडामेंटल फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर किंगडम एनिमल किंगडम को, या जिसको आप बोल सकते हो किंगडम एनिमेलिया, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उसको क्लासिफाई किया गया। तो किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स आते हैं उनको कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब किंगडम जो हमारा एनिमल किंगडम है, ठीक है, उसको हमने जो क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ है वो किस बेसिस पर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो किया गया था वो कुछ फंडामेंटल फीचर्स थे। फंडामेंटल फीचर्स के बेसिस पर एनिमल्स को क्या किया गया था? क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, अब वो कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स हैं? तो पहले आप उन सभी फंडामेंटल फीचर्स के नाम लिख लो, एज मैं फ्लो चार्ट आपको बताता जाऊंगा सारी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या आएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बच्चों हो जाएगा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड हमारा हो जाएगा सिमेट्री। थर्ड बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्री। वेरी गुड। फोर्थ जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सीलोम। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सीलोम, क्या आप इसको किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। देन आपका आ जाएगा बच्चों सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। एंड सिक्स नंबर पर बच्चों आ जाएगा नोटोकॉर्ड। तो ये सिक्स फंडामेंटल फीचर्स हैं जिसके बेसिस पर एनिमल को क्या किया गया था? क्लासीफाई किया गया था। तो आप सभी सबसे पहले तो इन फंडामेंटल फीचर्स का नेम देख लें। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। मैं अभी एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको सारी चीजें आसानी से वो क्लियर भी होती चलेंगी। ठीक, कौन कौन से वो फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होंगे इसको अच्छे से जान लीजिए। सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखोगे क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला फंडामेंटल ये आपका फीचर्स हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, आप बहुत इजी लैंग्वेज में उसको समझ भी जाएंगे। देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप सबसे पहले जो एनिमल्स की बॉडी होगी, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी कैसे बनी हुई है आप जानते हो, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है कि सेल जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है। ठीक है, बट सेल्स अगर सिमिलर हो ओरिजिन और फंक्शंस वगैरह में तो टिश्यू बना लेती है, टिश्यू ऑर्गन बना लेते हैं और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो जो एनिमल्स थे, स्टार्टिंग में जो एनिमल्स थे उनकी बॉडी सेल की बनी थी, फिर कुछ जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में टिश्यू पाए जाने लगे, उनसे जो डेवलप ज्यादा एनिमल्स थे उनके बॉडी में ऑर्गन्स होने लगे, और जो उनसे ज्यादा डेवलप एनिमल्स थे उनके बॉडी में ऑर्गन सिस्टम पाया जाने लगा। तो अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को हम लोगों ने क्या भाई, साइंटिस्टों ने फोर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया। सबसे पहले होता है सेलुलर, देन आता है टिश्यू, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे डेवलप अगर बात करें जो एनिमल्स आते हैं ऑर्गन सिस्टम में आते हैं, जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा आपने आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊंगा कि कौन कौन से वो फाइला हैं जिसमें कौन कौन सा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो सबसे पहले तो आपको उन सभी फाइला के नेम अच्छे से लर्न होने चाहिए।
सबसे जैसे सबसे पहला आपका अगर हम फाइलम की बात करेंगे तो कौन सा होता है, पोरीफेरा, ठीक है। सेकंड नंबर सिलेंट्रेटा, थर्ड नंबर टीनोफोरा, फोर्थ नंबर प्लेटी हेलमेंथिस, फिफ्थ नंबर एसके हेलमेंथिस, फिर आएगा एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकोनोडर्मेटा, फिर हेमिकोरेटा एंड सबसे लास्ट में आता है कोरिडेटा, ठीक है। तो ये सभी नेम आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और जब इसको आप लर्न कर लोगे तो आपको एग्जांपल यहाँ पर बहुत आसान से लगने लगेंगे, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूंगा सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में होता है, तो ये होता है बेटा सबसे पहला जो आपका फाइलम होता है पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा के जो एनिमल्स होंगे उनमें आपका होता है सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा बच्चों किसमें, ये आपको मिलेगा सिलेंट्रेटा फाइलम में एंड इसके अलावा टीनोफोरा में, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मैं नाम लिख दूंगा सभी फाइलम के, तो आप यहां से सीक्वेंस वाइज क्लियर करते चलिएगा। सबसे पहला फाइलम हो गया पोरीफेरा, सेकंड हो गया टीनोफोरा, थर्ड हो गया बच्चों सॉरी सेकंड हो गया सिलेंट्रेटा, थर्ड हो गया टीनोफोरा, ठीक है। ऑर्गन लेवल किसमें होता है बच्चों, ऑर्गन लेवल आपको मिलेगा प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस एंड एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस में मिलेगा बच्चों, ठीक है। ये प्लेटी हेलमेंथिस आपका चौथा हो गया, एस्केलमेंथिस आपका पांचवा हो गया, ठीक है, पांचवा ये फाइलम फाइल हो गया। अब आपका बेटा आता है एनिलिडा, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा, अब एनिलिडा के बाद क्या आता है आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकोनोडर्मेटा, फिर हेमिकोरेटा एंड देन आएगा कॉर्डेटा। तो एनिलिडा से जो कॉर्डेटा तक के जितने भी आपके बीच के बीच में जितने भी फाइला आएंगे वो सभी प्यारे बच्चों उनके अंदर कौन सा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर होता है ऑर्गन सिस्टम, मतलब उनके बॉडी में होते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये क्लियर हो गया होगा। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आप सेकंड नंबर पर चलते हैं जिसको अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम लोग पढ़ लेते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग यहां से अब सेकंड हेडिंग लिखते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नंबर आप लोग जल्दी से चलिए हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सबसे पहले आप इसी में डिप्लोब्लास्टिक हेडिंग डाल देना, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक लिख दो, मैं इसका फ्लो चार्ट इसका भी बना देता हूं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, हो गया बेटा जल्दी से बताओ फटाफट। आपको बस इतना जानना है जो डिप्लोब्लास्टिक होगा चाहे वो आपका चाहे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, इसमें बात होती है एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक लेयर की। आप जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होंगे, ठीक है, तो आपके बॉडी में कौन कौन सी वो लेयर पाई जाती हैं जब आप एम्ब्रियो के फॉर्म में होते हैं। तो एनिमल्स जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है तो या तो उसमें दो लेयर होंगी, ठीक है, और या तो उसमें तीन लेयर होगी। तो अगर एम्ब्रियो में टू लेयर होती हैं तो उनको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और अगर एम्ब्रियो में तीन लेयर्स होंगी तो उसको क्या बोलेंगे पहले बच्चों, ट्रिप्लोब्लास्टिक। नोट कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ साथ, ठीक है, वेरी गुड। तो आपका बेटा एम्ब्रियोनिक लेयर डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन सी वो होती है, तो एक होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे उनके एम्ब्रियो में टू लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट जो आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है इसमें तीन लेयर होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यहां पास आपको तीन लेयर मिल जाएंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल भी जान लेते हैं, तो चलिए साथ साथ मेरे आप जो है, ठीक है, साथ साथ आप लोग बच्चों एग्जांपल भी नोट करते चलिएगा, चलो वेरी गुड। हाँ मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट कर लो, ठीक है बच्चों, सब कोई मेरे साथ साथ ही यहां पास इसको नोट करते चलिएगा, हो गया बेटा। सब लोग जल्दी से बताइए, आप लोग नोट कर लिए हो तो जल्दी जल्दी मुझे बताते चलो कि सर नोट हो गया हमारा, ठीक। तो एग्जांपल बेटा क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा इसमें
पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा हो गया टीनोफोरम, ठीक है टीनोफोरम ओके। तो ये तीन आपको फाइलम जो है ये नोट करना है डिप्लोब्लास्टिक में, और डिप्लोब्लास्टिक में आप नोट करिएगा प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस से ठीक है, प्लेटीहेलमिंथिस से ही आपका कहां तक होता है, प्लेटीहेलमिंथिस से कॉर्डेटा, ठीक है प्लेटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेटा, ये आपका कॉर्डेटा तक होगा, प्लेटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेटा फाइलम, ठीक है प्लेटीहेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक में क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका होगा डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है नोट कर लिए जल्दी से फटाफट। तो हाँ ठीक है, तो बिल्कुल सब लोग नोट कर लो इसको। तो आज का यही के लिए सेशन रखते हैं, फिर आगे जो इसकी बातें होंगी फिर हम उसको नेक्स्ट टर्म आप लोगों को जरूर बताएंगे। ओके बच्चों थैंक यू।